नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में हूँ। और आप देख सकते हैं कि बड़ी सी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। ये एक सौगात है जो हजारीबाग को भी मिला है। ऐसी 5 गाड़ियाँ इस पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में आई हैं, जो विभिन्न जिलों को दी गई हैं। उन 5 जिलों में से एक हजारीबाग है जहाँ ये गाड़ी आई है। ये गाड़ी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, COVID-19 RT-PCR मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला, ये वो पूरी व्यवस्था है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग RT-PCR करवा सकेंगे और केवल 6 से 12 घंटे के अंदर उन्हें कोविड का जो रिपोर्ट है वो मिल सकेगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है, इसके अंदर ही डॉक्टर रहेंगे, जो सैंपल है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा और 6 घंटे के अंदर जांच के बाद ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। तो कोविड से जो तीसरी लहर है उससे लड़ने के लिए ये बहुत कारगर होगा, खासकर वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ। आइए सुनते हैं CS क्या कहते हैं इसके बारे में। RT-PCR वैन मिला है, वो रांची से आया है, वो 5 ही जिला को मिला है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, हजारीबाग को। तो हजारीबाग वाला जो RT-PCR वैन है वो RT-PCR जांच करेगा। पहले जो BTM से हम लोग सैंपल लेते थे वो मेडिकल कॉलेज में जांच होता था, और ये मोबाइल यूनिट जो आया है तो हम लोग CSC में भेज रहे हैं। तो अभी हमसे बात हो गई, हम लोग CSC बड़का गांव में भेज रहे हैं, वहाँ वो खड़ी रहेगी। और केरेडारी बड़का गांव के जो सैंपल्स आएंगे उसको उन लोग तुरंत जांच करेंगे, संभवतः सेम डे ही रिपोर्ट्स आ जाएंगे। तो एक स्लॉट में वो 384 जांच करता है, जो कि 6 घंटे 7 घंटे में 384 जांच का रिपोर्ट आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि वो फ्री में है, पैसे नहीं लगेंगे, वो गवर्नमेंट के तरफ से जांच फ्री रहेगा। तीसरा चीज़ है कि उसमें जो है पूरी व्यवस्था है, वो सब गवर्नमेंट स्टाफ उसके जो भी हैं LTs वगैरह वहीं रहेंगे, और जो है उसका रिपोर्ट्स केवल उसका टेस्टिंग का काम है। सैम्पलिंग हम लोग के द्वारा जो पहले होता है ANM या सैया के साथ जो टीम बनती है वही करेगी, और वो सैंपल लाके वहाँ दे देंगे। तो देखा आपने कि जो CS है वो क्या कह रहे थे। तो ये जो वैन है जिसमें ये सारी व्यवस्था होगी, जैसा कि CS ने बताया। आइए जानते हैं जो इसके संचालक हैं, कितने जगह पर ये वैन गया है और क्या क्या फैसिलिटी होगा, कैसे ये काम करेगा। आइए सुनते हैं जो इनके संचालक हैं उनसे। ये झारखंड रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा जो है RT-PCR वैन फैसिलिटी जो है झारखंड गवर्नमेंट ने जो है अभी 5 डिस्ट्रिक्ट को दी गई, जिसमें हजारीबाग भी है। और ये जो है मोबाइल वैन फैसिलिटी है जहाँ पर COVID-19 की टेस्टिंग होगी, और इसका जो कैपेसिटी है नियर अबाउट 1000 to 1200 टेस्ट जो है इसमें पर डे हम कर सकते हैं। ये सभी सुविधाओं से लेस है, सभी सुविधा इसमें उपलब्ध हैं, सभी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। और हम जो हम टेस्ट करेंगे COVID-19 को लेके, उसमें हम 24 आवर्स में हम पेशेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे। कोविड जैसी महामारी में पिछली बार हम लोगों ने देखा कि सबसे अधिक जो मुश्किल आई थी वो ये था कि जब आप कोरोना जांच के लिए अपना जांच के लिए आप स्वैब देते थे, उसके बाद से उसकी रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से मिलती थी। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये स्थिति और भी बदतर थी, क्योंकि वहाँ पर इसकी समुचित व्यवस्था नहीं थी कि आपको कैसे जाँच हो रहा है, कब तक जाँच हो पाएगा। लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद वैसे क्षेत्रों में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ कम से कम जो जांच है उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी, जिससे जो इलाज है वो जल्दी शुरू हो पाएगा। इसमें अलंकार, लगातार .in के लिए।